पॉडकास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आपके साथ सलोनी राणा। कौशाम्बी जिले में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से गांव में कैंप लगाकर एड्स रोगियों की खोजबीन की जा रही है। अब तक 10 से ज्यादा गांव में कैंप लग चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जांच की जा चुकी है। जिला मुख्यालय के बबुरा में कैंप लगाया गया, ग्राम प्रधान समेत दर्जनों लोगों की जाँच की जा रही है। एक भी संदिग्ध मरीज टीम को नहीं मिला है। ये हमारे ग्राम सभा बमरा में एचआईवी टीम की जो आई थी, 3-4 दिन पहले आई थी, और जो है इसमें पूरी तरह से बताया गया कि इस ग्राम सभा में कुछ लोग इसके शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए आज जो है हमारे ग्राम सभा बमरा में एचआईवी जांच के लिए टीम पूरी आई हुई है और जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मंजनपुर तहसील के बबुरा गाँव में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से ललित हस्तक्षेप परियोजना के तहत एड्स रोगियों की खोजबीन के लिए कैंप लगाया गया। क्षेत्र भ्रमण कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने कैंप में चिकित्सक अमर सिंह कुशवाहा और काउंसलर रचना आर्य ने दर्जनों लोगों की जांच की। जो परीक्षण किया जा रहा है, किस चीज का परीक्षण किया जाता है और किन गांव को इसमें चयनित किया जाता है, कैसे गांव चयनित? ये परीक्षण जो हो रहा है, ये परीक्षण एचआईवी एड्स का परीक्षण हो रहा है, और इस परीक्षण में हम उच्च जोखिम समूह को चुनते हैं जिनके माध्यम से हम एचआईवी के उन केसेस को पहचान करने की कोशिश करते हैं जो अपने आप में लेकर के इस रोग को चल रहे हैं, और WBFT किट के माध्यम से इस जांच को हम लोग कैंप लगा के करते हैं। आज ये बबुरा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान जी के माध्यम से ये कैंप हो रहा है, जिसमें लगभग 27 से ज़्यादा लोगों की जांच होनी है। तो किस माध्यम से गांव को चयनित करते हैं कि इसी गांव में जांच करनी है? गांव को चयन करने का हमारा माध्यम होता है ग्रुप मीटिंग करते हैं। ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हमें काउंसलिंग के दौरान हमें सस्पेक्टेड केस जो उच्च जोखिम वाले निकल के आते हैं, एचआईवी के जो 4 कारण उनमें से इन्वॉल्व लोग जो होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं, उनको हम बातचीत के दौरान जब जान लेते हैं कि ये इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको हम एचआईवी परीक्षण करते हैं प्राथमिकता देकर। कौशाम्बी में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान खनन अधिकारी की गाड़ी को निशाना बनाए जाने की कोशिश के मामले में कोखराज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार इस मामले में अज्ञात वाहन चालकों के साथ 4 से 5 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया है। थाना कोखराज के अंतर्गत खनन अधिकारी चेकिंग कर रहे थे, तो कुछ गाड़ियों को उन्होंने रोक लिया था और कुछ गाड़ियों को 4-5 लोग आए और भगा दिए। इस पर जो है खनन अधिकारी ने मुकदमा लिखाया है और उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा का और गाड़ी भगाने का मुकदमा लिखाया है। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और प्रभावी पुलिस बल देके उनको खनन अधिकारी से और ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कराई जाएगी। आरोप लगाए गए कि उनको उनकी गाड़ी में टक्कर भी मारने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं अभी बताया है कि गाड़ी में वाहन उनको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की गई है, लेकिन उन सरकारी कार्य में बाधा और वाहनों को भगाने का अपराध पंजीकृत कराया है उन्होंने, और इस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कौशाम्बी के सिराथू नगर पंचायत का अनोखा फरमान इन दिनों खासी सुर्खियों में बना हुआ है। इस फरमान के बाबत पूरे नगर पंचायत में मुनादी कराई जा रही है कि जिस भी शख्स ने सरकारी धन लेने के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया है, वह जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण करा ले, अन्यथा उन्हें नगर पंचायत प्रशासन सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित कर देगा। इतना ही नहीं, इसके बाद भी लोग टॉयलेट का निर्माण नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। शौचालय बनाने को भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है, हम लोग उसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे वार्डों में काम करा रहे हैं। कुछ लोगों को प्रथम किस्त के रूप में हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन संपूर्ण शौचालय नहीं बनवाया गया है। इस कारण हम लोग मुनादी करा रहे हैं कि लोग जागरूक हों और शौचालय के निर्माण कराएं। इसलिए हम ये भी सहारा ले रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का आप अगर नहीं बनवाते हैं तो उससे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह कर करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे शौचालय प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहा है और लोग बनवाने। नगर पंचायत के अधिशायी अधिकारी मनीष वर्मा के मुताबिक मुनादी कराए जाने के पीछे उनका मकसद स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी धन लेने के बाद लोग शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द करा लें। इसके बाद भी यदि लाभार्थी टॉयलेट का निर्माण नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्यवाही कराएंगे। किस लिए करवाई जा रही है? मुनादी शौचालय के व्यक्तिगत शौचालय के लिए की जा रही है। जिन लोगों ने शौचालय का पैसा मिला है जिन लोगों को, और वो शौचालय निर्माण नहीं कर रहे हैं अपने घरों में व्यक्तिगत शौचालय का, उसके लिए लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शौचालय का निर्माण करें।
और ये स्वच्छता को प्रोत्साहित करें। नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? हम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेंगे, उसके लिए FIR दर्ज कराई जाएगी क्योंकि उन्हें धन आवंटन हो चुका है। पिथाई तूफान का असर पश्चिम मध्य रेलवे से चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है, जिसके चलते जबलपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली स्पेशल ट्रेन को सुरक्षा के लिहाज से अपने पहले ही फेर में रद्द कर दिया गया। दरअसल पैसेंजर की डिमांड पर पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से विशाखापट्टनम तक सीधी ट्रेन देने के उद्देश्य से स्पेशल चलाए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन यह ट्रेन अपने पहले ही फेर में नहीं चल सकी, जिससे इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों में थोड़ी निराशा भी है। हालांकि पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों की माने तो ट्रेन जबलपुर से विशाखापट्टनम तक अप और डाउन दोनों तरफ से 3 फेरों में चलाया जाना है, लेकिन गोदावरी जिले में आने वाले विशाखापट्टनम में आए पिथाई तूफान को देखते हुए इस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को रद्द करने का फैसला किया गया है, ताकि इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को हर तरह के जोखिम से बचाया जा सके। जबलपुर की पनागढ़ थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मोंटी शर्मा नामक इस आरोपी के ऊपर 2000 का इनाम घोषित किया गया था। मोंटी और उसके एक साथी के एक माह पूर्व दोनों लोगों पर कतिलाना हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मोंटी सहित 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। मामले में पुलिस धर्मेंद्र नामक एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन घटना के बाद से मोंटी फरार था, जिसे पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आज दिनांक 18 तारीख को 2000 रुपए का इनामी बदमाश पनागर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विगत एक माह पूर्व 2 आरोपियों ने मिलकर, मोंटी शर्मा और धर्मेंद्र गढ़ारी, इन दोनों ने मिलकर थाना अंतर्गत हमारे मेन कस्बे के अंदर आयुष्मान मिश्रा और सौरभ तिवारी के साथ गंभीरतर मारपीट करी थी, जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसको करीब 10-15 टांके भी सिर में आए थे। हाल ही में भी हम लोगों ने कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र गढ़ारी 2000 का इनामी, इसको पकड़ लिया है, जिसे जेल भिजवा दिया गया, और आज मोंटी शर्मा को पुलिस पनागढ़ द्वारा गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं मुरादाबाद के बिलारी की, जहां एक महिला के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अब पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस उस पर समझौते का दबाव बना रही है। मामले में पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपी को बचाने के लिए उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? जैसे मैं गोबर पाथना गई थी बगिया में, तो एक लड़का आया दाऊद, तो उसने पीछे से आन के मुझे पकड़ लिया, उनने मेरी कोरिया भर के झाड़ों में खुले गया। झाड़ों में ले आने के बाद उन्होंने तमंचे से मुझे डराया, मैं के साथ यही आरोप कर लिया, ना तो मैं तुझको मार दूँ। फिर उसने मेरी बदतमीजी को सिलवा निकाल कर। तो आप थाने गई थी क्या? गई थी थाने में, कोई सुनवाई नहीं थाने में। कितने समय हो गया, कितने दिन हो गए अब तक? 6 तारीख से भागी फिर रही हूँ। कहाँ शिकायत आपने कर चुकी? एसपी के धोरे भी गई, DIG के धोरे भी गई, यहाँ पे भी गई। क्या न्याय हुआ आपका? यहाँ पे कोई सुनवाई ना हुई। कहाँ पे? कैदी तुम्हारा झूठा केस है। किसने कहा थी? दरोगा साहब ने कही, एसओ साहब ने कही। कौन सा थाना पड़ता आपका? कुंदर की। अच्छा, जी लड़की ने रेप किया था, उसका क्या नाम है? मामला कुंदर की थाना क्षेत्र के गाँव रूपपुर का है। यहाँ महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा, पुलिस के चक्कर लगा रही है महिला। 6 दिसंबर से लगातार महिलाएं चक्कर लगा रही हैं, माँ बेटी दोनों डेली थाने में आती हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मामला कुंदर की थाने क्षेत्र के गांव रूपपुर का है। यहाँ 6 दिसंबर के लिए महिला के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया गया था, लेकिन पुलिस उस मामले को दबाती नजर आ रही है। ऐसा इस मामले को कल हद तो जब हो गई, जब महिला को कल थाने से धक्का मारकर निकाल दिया गया। हल्का इंचार्ज से हमने फोन पर बात की गई तो हल्का इंचार्ज ने इस मामले को पूरे ही झूठ बता दिया। इतना ही नहीं, इसी विषय में फिर थाना प्रभारी से बात की गई तो थाना प्रभारी ने जांच की बात कही, लेकिन अब 2 बातें पुलिस के ही द्वारा बन रही हैं। अब देखने वाली बात है कि पुलिस झूठी है या फिर महिला झूठी है। दानवीर सिंह, मुरादाबाद, बिलारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम ताज़तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।